सो हाई एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो स्कोर था केमिस्ट्री के अंदर 39 मार्क्स था, लाइक लिटरली 39 मार्क्स, तुम कैलकुलेट करके देख लो. उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक ड्रॉप के बाद आई इंक्रीज माई स्कोर टू 155. इस वीडियो के अंदर जो चीज़, जो टारगेट दे रही हूँ, जो डू एंड डाई चैप्टर्स बता रही हूँ, जो चीज़ें कर रही हैं, एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सुन लेना, कैसे अप्रोच करना है हर चीज़ में यहाँ पर बताऊँगी. सबसे पहली बात, आप लोगों को सेफ स्कोर अगर नीट में सिलेक्शन लेना है तो 620 के आसपास है, जिसमें केमिस्ट्री में 150 प्लस तुमको लाने ही पड़ेंगे. और केमिस्ट्री में ट्रस्ट मी तुम ला सकते हो. तीन पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. फिजिकल ना ईजिएस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल बहुत टफ लगती है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है, सिलेबस हौच पौच है, पहली बात तो मेरे को पता है तुम्हारा कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमको तो कुछ नहीं आता, फिजिकल सच में ईजिएस्ट है, एक बार अप्रोच करके देखो. इनऑर्गेनिक पूरा क्रैमिंग का होगा और ऑर्गेनिक थोड़ा सा ट्रिकी होगा. अब उस हिसाब से डिसाइड कर लेना तुमको किन दो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अगर आपको 150 प्लस लाना है तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के किसी दो पार्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा फोकस करना है. उसमें ऐसे होना चाहिए कि मेरे को बिल्कुल अच्छे से आता है. जैसे मुझे फिजिकल और ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आती थी और उसका मेरा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं था. मेरे जितने क्वेश्चन गलत थे वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक के गलत थे. 30 डेज के अंदर अपन सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ दिन बचे तो रिवीजन अपनी करते रहना. टारगेट है 10 दिन 10 दिन 10 दिन, या फिर एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम भाव देना है तो इसको 8 दिन कर सकते हो और इनको 11 11 दिन आप लोग कर सकते हो. ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए. अब सुनो मेरी बात, कैसे हम लोगों को पढ़ना है. सबसे पहली बात फिजिकल के बारे में मैं तुमको बताती हूँ, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अब तो इसकी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ नोट्स तुमको बनाने हैं. या तो तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स बने होंगे, नहीं बने हुए हैं तो कोई वन शॉट वीडियो देखना, उस वन शॉट वीडियो से नोट्स बना लेना और उन नोट्स को 5 से 6 बार रिवाइज कर दो. ट्रस्ट मी, जैसे बायो को रखते हो ना, ऐसे इस फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला और उनकी जो एप्लीकेशन है वो तुम रट दो, तुमको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे. जितने भी न्यूमेरिकल्स उसके अंदर रहते हैं ना, वो बहुत ईजी होते हैं फिजिक्स के कंपेरिजन में, बहुत ज्यादा ईजी. वो जैसे ही तुम्हारा हो जाए, एक फॉर्मूला शीट अपनी बना लेना, उसमें हल्का सा क्रैम, जो भी अपना क्रैमिंग का पोर्शन है वो बिल्कुल ढंग से क्रैम करके प्रॉपर सारे फॉर्मूला उस पेज के अंदर लिखो. बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज. बहुत सारे चैप्टर होंगे जिसके सिर्फ नोट्स पढ़ के तुम लोग टेस्ट देने गए होगे, तुमसे टेस्ट होते हैं. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नोट्स है. 70% नोट्स इंपॉर्टेंट है, 30% क्वेश्चन सॉल्व करना है. और इस टाइम पे सिर्फ PYQ सॉल्व कर लो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. और अपने हर 3 से 4 दिन में टेस्ट देते रहो. अब दीदी किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो मैंने आपको एक फिजिक्स की वीडियो अपलोड करी है, इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी. उस वीडियो में मैंने सॉल्व करना बताया है कि एक न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है. फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, हमेशा जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए उसको लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करना. लास्ट में आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे पास ये हाउ है, ये मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है, और यहां से अब पूरा जो सीता गीता है वो सब वहां से हटा देना. अब सारी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सट्रैक्ट तुमने कर ली, अब आइस क्लोज करके जो तुमने ये फॉर्मूला शीट बनाई थी इसमें सोचना कि कौन सा फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज करके यहां पर यूज हो सकता है. तुमको कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पुट होता हुआ मिलेगा. फिजिक्स में तो बल्कि 2-3 ऊपर नीचे करके होता है, फिजिकल में डायरेक्ट होता है. ट्रस्ट मी, फिर बोल रही हूं, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ईजिएस्ट है, सबसे स्कोरिंग है, बस मैथमेटिकल मिस्टेक्स मत कर देना. नंबर 2, इनऑर्गेनिक इज नथिंग बट बायोलॉजी. सबसे पहले एनसीईआरटी उठाना, 10 मिनट का रूल, सामने क्लॉक रखी, 10 मिनट अपने पास टारगेट लिया, 10 मिनट में एक पेज कंप्लीट करेंगे, अगले 10 मिनट में दूसरा, अगले 10 मिनट में तीसरा, उसके बाद उनको पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे. उसके ऊपर क्या होगा, एक नॉर्मल रीडिंग वाला पोर्शन होगा और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो याद करने वाली होंगी. वो याद करने वाली चीजों को हाईलाइट कर लेना और फिर उसके बाद अपना पूरा पेज पढ़ा. अब चल चल के, घूम घूम के, अपना एकदम बोल बोल के रटो, बिल्कुल साम दाम दंड भेद सब लगा के अपने को पूरा का पूरा वो करना है. और उसके बाद थक जाओ ना, लेट के उसका एक वन शॉट देख लेना. कई बार ऑर्डर्स एंड ऑल अपने पास होते हैं, हम सोचते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद करें ना करें, टीचर बहुत अच्छे से बता देता है, या फिर तुम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. तुमको पहले वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी देखना है. मैंने क्या प्रेफर किया था, मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके बाद उसका मतलब
लेक्चर अटेंड कर लिया, तो ये तुम्हारी मर्जी है। फिर उसके बाद बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। इनऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट पीवाईक्यू से ही आ जाती है, और फिर अपने को 3-4 दिन में वो टेस्ट तो अपने को देना ही है। लेकिन मेरे जो इनऑर्गेनिक थी, मैंने ऑलरेडी बोला मेरी सबसे वीक थी, और मैं पूरा का पूरा पी ब्लॉक छोड़ के चली गई। उसी की वजह से जो मेरे यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन जो गलत है ना, वो पी ब्लॉक में से ही 3-4 क्वेश्चन तो आई गेस 3-4 के चारों सारे पी ब्लॉक के गलत हैं, या फिर ब्लॉक्स के ही गलत है। ब्लॉक्स मेरे सबसे वीक थे केमिस्ट्री के अंदर। इसका क्या तरीका है? पी ब्लॉक बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पे टफ लगता होगा, 20-मिनट रूल अपनाना स्टार्ट कर दो। क्या करो, मान लो कोई चैप्टर ये जरूरी नहीं है सिर्फ यहाँ अप्लाई करो, किसी फिजिक्स में, बायो में, जिसमें भी टफ लग रहा है, क्या करो सामने अपना ऐसे सोच लो कि मान लो ये चैप्टर मेरे पास है, इसमें टोटल 40 पेजेस है, तो मैं 40 पेजेस एक दिन में मेरे से 3 ही पेज हो पाएंगे, मैं 20 मिनट के अंदर 3 कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। मान लो आज सुबह 6 बजे उठे हो, 6 बजे उठ के अब तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले ये जो 20 मिनट तुमको पढ़ने का तुमने डिसाइड किया ना, तुम ये बस वो पढ़ देना, सिर्फ 20 मिनट सामने टाइमर रख के। तुमको पता नहीं चलेगा 10 दिन में तुम्हारा वो चैप्टर अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो मिलेगा, और 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती, नींद से काट के अपनी 20 मिनट ला सकते हो। अभी ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते डेली ये 20 मिनट ऐसे ही अपनी वहां पर एडजस्ट कर सकते हो, और एक चैप्टर तुम्हारा हो भी जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। फाइनली आता है ऑर्गेनिक, दिस इज वेरी ट्रिकी। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले वन शॉट देख के तुमको नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे। टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैंने तो नहीं पढ़ी थी, मैंने अपने नोट्स को 4-5 बार याद किया, और उसके बाद एक्सपेक्ट मत करना, इसमें एक्सपेक्ट मत करना कि 100% तुमको याद हो जाएगा। तो दीदी क्या करें, जैसे ही 4-5 बार तुमने रिवाइज कर लिया और तुमको हो गया कि हाँ अब कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, अब क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना। अब बहुत सारे क्वेश्चन में तुम रिएक्शंस भूलोगे, ये भूलोगे, वो भूलोगे, क्या करना? अब मान लो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम रिएक्शन भूल गए, अब नोट्स खोल के देखो। अब जब तुम नोट्स खोल के देखोगे, अब जो तुमको नोट्स याद होंगे ना, वो 110% याद होंगे। यहां पे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, और बाकी टेस्ट तो फिर अपने को देना ही है। ये हमारे पास लिस्ट है डू एंड डाई चैप्टर्स की, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना टेलीग्राम के ऊपर ये पूरी पीडीएफ भेज दूंगी, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। सिमिलरली बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, ऐसा ना हो कि उनको तुमने छोड़ दिया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर में, फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, उसके सब टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो पूरी की पूरी ये जो लिस्ट अपने पास है, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, रक्षिता सिंह नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, वहाँ पहुँच जाना, देख लेना, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, इसके नीचे ही डाल रही हूँ, जिसके अंदर मैंने टारगेट्स दिए हैं कि ऐसे ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। अब केमिस्ट्री को फ्लेक्सिबल रहने दो। वैसे तो मैंने तुमको रफ आइडिया दे दिया कि 10-10-10 दिन के अंदर अपने को कंप्लीट करना है, 30 दिन में हमको केमिस्ट्री में टारगेट करके चलो, मेरे को 180 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। मतलब एक दिन में 6 नंबर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। आज तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अपने इन 6 नंबर के लिए जो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आज केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, अपने इन 6 नंबर के लिए लड़ना। हर सेकंड जब कोई लाइन पढ़ रहे हो ना, सोचना कि आज मेरे को अपने 6 नंबर पक्के करके हटने हैं। सोने से पहले ये सोच के कर लेना, तुम्हारा 110% हो जाएगा। नहीं हुआ है, एक लिस्ट बनाओ, करते जाओ, 10 दिन करो तो होगा। नहीं होगा दीदी अब करने से होगा कि नहीं होगा, अरे तुम 10 दिन करो, 10 दिन के बाद तुमको दिखने लगेगा कि हाँ यार सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं। मैंने जो ये लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मेरा कोई चैप्टर नहीं हुआ था, इस पे अब टिक लगने स्टार्ट हुए, तुमको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, वो तुमको और बूस्टअप करेगा, और तुम्हारा 110% होना स्टार्ट हो जाएगा। ईजिली कर सकते हो चीज़ों को, अपने हाथ में क्या है यार, अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, सिर्फ बेस्ट देना है, वही हम दे सकते अपना बेस्ट दे दो, ठीक है ना। जितना दम लगा सकते हो उतना दम अपने पास यहाँ पर लगा दो, बाकी जो भी होगा जैसे भी होगा साथ में मिलकर देख लेंगे। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती यार, मैं हूँ, अपन साथ में देख लेंगे, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत रास्ते हैं जिंदगी में, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में क्या है, बेस्ट देना है, बेस्ट दे देना, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे प्रॉमिस करके जाओगे, एवरी डे आई टारगेट 6 मार्क्स, और हर रोज मैं अपने 6 मार्क्स पक्के करके रहूंगा, ये चीज लिखनी है। लिखोगे तो खुद को बार बार बोल के बता रहे हो और खुद को अश्योरेंस दे रहे हो, जो देनी इस टाइम पे बहुत ज्यादा तुम लोग के लिए जरूरी है। 1 डे 6 मार्क्स चाहिए।